हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर क्या होने वाला है, इसका फैसला होने वाला है 6 दिन के बाद यानी 12 तारीख को। लेकिन 6 दिन पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो आने वाला है, इसके पीछे का राज क्या है? मतदान के ठीक 6 दिन पहले मैनिफेस्टो रिलीज करने का राज क्या है? मैनिफेस्टो में जिन 50,000 लोगों ने अपनी राय दी है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये राय क्या है? मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होने वाला है, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होने वाला है, कर्मचारियों के लिए क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला होगा तो ये फॉर्मूला क्या है? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर पहली बड़ी खबर, सबकी बिग ब्रेकिंग। थोड़ी देर के बाद में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने वाला है। शिमला में बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के ऐलान होगा। घोषणा पत्र के लिए 50,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। घोषणा पत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने तक तैयारियां की हैं और 2 महीने तक पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से एक एक रिपोर्ट मांगी है और ये मांगा है कि चुनावी घोषणा पत्र में आप ये बताएं कि आपकी राय क्या है, क्या क्या होना चाहिए। ये सब कुछ बीजेपी ने आम जनता से मांगा है। अब चार तस्वीरें आप देखें जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो चुनावी मैनिफेस्टो होगा, चूंकि संकल्प पत्र का इसे नाम दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, जो अलग अलग राज्यों के चुनावी मैनिफेस्टो होते हैं, संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला क्या होगा? हिमाचल का मैनिफेस्टो, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पहले ही रिलीज किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद में युवाओं के लिए क्या होने वाला है, महिलाओं को क्या होगा, कर्मचारी ओपीएस पर क्या, चूंकि कर्मचारी ओपीएस को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उसी में ओपीएस को लेकर के हम रिकमेंडेशन अपनी दे देंगे, इस तरह की बातें की गई हैं कांग्रेस की तरफ से। अगली बड़ी खबर, एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर के। हिमाचल के कर्मचारी घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ओपीएस के बारे में बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कांग्रेस ने ओपीएस को पास करने का वादा किया है और कांग्रेस ने चूंकि यह कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है पहली कैबिनेट के साथ ही हम ओपीएस को पास करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मतदान से 6 दिन पहले आने वाले घोषणा पत्र का हर किसी को इंतजार है। हम आपको लेकर के चलेंगे शिमला, जहां पर चुनावी घोषणा पत्र रिलीज होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, इस घोषणा पत्र को रिलीज करते हुए जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं या फिर जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास रहा? चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो का इंतजार है, संकल्प पत्र का इंतजार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी एक बार रिकॉल कर लीजिए आप। उसमें आम लोगों को राहत मिलने वाली है, उसको उसमें उसके आय में वृद्धि होने वाली है और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। कोई आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जो फसल की कीमत खुद तय करेंगे, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। एक मॉडल स्टेट का जो सपना है वो हिमाचल की जनता के सामने रख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमने 450 में गैस सिलेंडर दिया है इस देश को ना, 400 में दिया है ना, हमने पेट्रोल डीजल 65 रुपए में 60 रुपए में दिया है ना इस देश को। हमें एक और बड़ी जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में 20 वादे हो सकते हैं। ये 20 वादे क्या क्या रहेंगे? महिलाओं के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, संभव है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का वादा किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाखों रोजगार गारंटी का वादा भी संभव है, यानी पुरानी पेंशन, महिलाओं के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में बड़े ऐलान, बीजेपी के संकल्प पत्र में लाखों रोजगार का वादा। शिमला से संजय शर्मा की लाइव रिपोर्ट। प्रदेश के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट जिसका नाम दिया गया है कुछ ही देर में आने वाला है, तो आप देख सकते हैं यही वो मंच है जहां पर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस संकल्प पत्र को रिलीज करने जाएंगे। उनके साथ में सुरेश भारद्वाज होंगे, जयराम ठाकुर होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे, सुरेश कश्यप होंगे, पायल वैद्य जी होंगी। तो ये वो जगह है जहां से कि कुछ ही देर बाद बड़ी घोषणा अभी बीजेपी करने वाली है कि उसके हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए क्या मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र में क्या क्या चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं नेताओं की, नरेंद्र मोदी हैं, जयराम ठाकुर हैं, जेपी नड्डा हैं।
तो ये सारे के सारे वो चेहरे हैं जिनके नाम पर कि हिमाचल में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं वोटर्स को लुभाने की। जी हाँ, कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि 1500 रुपये महीना हर महिला को यहां पर दिए जाएंगे। तो हर महिला को जब 1500 रुपये मिलेंगे तो बीजेपी उसकी काट में आज बड़ी घोषणा करने जा रही है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए आज बड़ी घोषणा का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 20 से ज्यादा वायदे, 20 लगभग 20 वायदे बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में करने जा रही है। इनमें रोजगार, जी हाँ, बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार का मुद्दा भी इसमें प्रमुख होगा। इसके अलावा ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना, तो उसके लिए भी आज बीजेपी एक बड़ा ऐलान कर सकती है। यहां से इसी मंच से ऐलान होगा कुछ ही देर में, बीजेपी का हिमाचल प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र यहां से जारी होगा। कैमरामैन आकाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से विपिन परमार लाइव है, लेकिन उससे पहले चलते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह, मेरे सीनियर कोलीग, लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, बीजेपी के संकल्प पत्र में यानी हिमाचल प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में 20 वादे किए जाएंगे, ये इनसाइड स्टोरी आपने दी है। 20 वादों में क्या रहेगा खास, और कांग्रेस की गारंटी के सामने बीजेपी क्या क्या देने वाली है? और एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि मतदान के ठीक 6 दिन पहले, महज 6 दिन पहले चुनावी घोषणा पत्र आया है, चुनावी घोषणा पत्र में इतना लेट क्यों? देखिए राशिद, जहां तक संकल्प पत्र की बात है, संकल्प पत्र को जो है सिकंदर कुमार जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई थी जिसको पूरा तैयार किया गया था। भाजपा यहां पर जो नारा लेकर आ रही कि नया रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे, नारे के साथ जारी कर रही है। इसमें युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, कारोबारियों, उद्योगपतियों समेत विभिन्न वर्गों के मुद्दों को शामिल किया गया है। सबकी इस बात पर नजरें टिकी हुई हैं कि भाजपा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को इस संकल्प पत्र में किस रूप में शामिल करने जा रही है। कांग्रेस की पहले ही आपने कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करने की गारंटी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दे चुकी है, और इससे पहले इस संकल्प पत्र को शुक्रवार को लॉन्च करने की योजना थी, मगर इसे फिर आज के लिए टाला गया। अब से कुछ ही देर बाद होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो बातें हैं उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ। ठीक है राकेश, के लिए आप रुक जाइए क्योंकि शिमला से मेरे साथ में विपिन परमार, मेरे कोलीग जुड़ चुके हैं। विपिन, कितनी देर में मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जो शेड्यूल टाइम था सुबह 10 बजे का था, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, तमाम नेताओं का इंतजार हो रहा है और कुछ ही देर के बाद जो है ये मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तकरीबन 50,000 से ज्यादा सुजेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की इस मैनिफेस्टो कमेटी की ओर से कलेक्ट किए गए थे, लोगों के सुझाव मांगे गए थे, और सबसे बड़ा सुझाव जो आया वो तमाम बेरोजगारी को लेकर, एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से उसमें इजाफा किया जा सकता है, महिलाओं के लिए जिस तरह से कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई है उसकी काट क्या की जानी है, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो है वो तमाम चीजें देखने को मिल सकती है। और सबसे ट्रम्प कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश सिंह बता रहे थे, ओपीएस को लेकर, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है कि पहले दिन ही सरकार बनने के एवज में जो है वो ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में ओपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या कुछ रखा जाता है, इसी के साथ साथ जो पुरानी पेंशन है उनको बहाल करने की बात की गई है, बिजली मुफ्त 125 यूनिट तक जो है उसको लागू करने का जो है काम संकल्प पत्र में जो है उसकी घोषणा की जा सकती है। तो तमाम एजेंडा की ग्रास रूट लेवल पर कहीं ना कहीं इतिहास दोहराने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर की जा रही है कि हिमाचल का इतिहास बदलना है। विपिन सर, एक मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा क्योंकि राकेश कुमार सिंह से मुझे कुछ और भी सवाल करने हैं। राकेश, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्यों के लिए जो मैनिफेस्टो रिलीज किए जाते हैं, जो संकल्प पत्र तैयार किया जाता है, हर मैनिफेस्टो में एक चीज जरूर होती है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। क्या हिमाचल प्रदेश के लिए भी पीएम का कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है? अगर है तो क्या? तक प्रधानमंत्री एक बड़े ब्रांड हैं, बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता है। चेहरा जो है वहां पर भले ही जयराम ठाकुर हैं, लेकिन जो बीजेपी वहां पर चेहरे के रूप में, जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में सीधे तौर पर उन्होंने कह रहे थे कि अगर आपको विकास करना है राज्य का तो डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और ये बातें और लोगों की, उन्होंने लोगों से उसकी हाँ अमी भी भरवाई, तो ये साफ है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में जो बिखराव है उसका फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को, जो मौजूदा सरकार है यानी
ठीक है राकेश, अभी अभी के लिए आपका, और शिमला से मेरे सहयोगी विपिन परमार भी थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा दोबारा इंडिया न्यूज लाइव कवरेज में जाएगा और ये दिखाएगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या है और कांग्रेस की चुनावी गारंटी के मुकाबले बीजेपी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है और मतदान के ठीक 6 दिन पहले क्यों आखिरकार ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है और इसका कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी। 6 दिन पहले मतदान के अगर संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है तो फिर इसका रहस्य क्या है आगे।